Good morning, students. Today we are going to learn our chapter number 2, year to year, part 1. Students, यहाँ पे year to year का मतलब क्या है? यानी कि जैसे हमें दो year होते हैं, तो same वैसे animals को भी होते हैं. सिर्फ human being को years नहीं होते हैं. ठीक है? लेकिन अब जैसे हमें ये जो ईयर है इसका साइज शेप ये डिफरेंट है, एनिमल्स के ईयर से डिफरेंट है. तो सेम वैसे ही सभी एनिमल्स के सेम ईयर्स नहीं होते हैं. बराबर, एलिफेंट के कुछ बड़े फैन जैसे ईयर होते हैं, तो लायन के छोटे ईयर होते हैं. तो वो जो ईयर है वो उनको उनका सूट होता है, उनके ईयर से वो सुंदर दिखते हैं. अगर हमें एलिफेंट के ईयर होते और हमारे ह्यूमन बीइंग के ईयर अगर एलिफेंट को लगा देते तो वो कैसे दिखता? ठीक है, तो एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग को दोनों को भी ईयर होते हैं, लेकिन वो जिसको जैसा मैच है वैसे ही ईयर्स बराबर दिखते हैं. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर. Today we will learn about ears of different animals, ears of different shape and size, animals with different skin, and mammals. So in this lesson, you will learn ears of different animals, which you can see, ears of different shape and size, animals with different skin, animals who have ears on their body, they give birth to the young ones and we call them mammals. यानि कि ये lesson में हम लोग different animals के different ears देखने वाले हैं और different animals के ears का shape and size ये भी देखने वाले हैं और एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्किन का हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं. एंड मैमल्स यानी कि जो एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम मैमल्स बोलते हैं. तो उन एनिमल्स के बारे में भी हमें इस चैप्टर में सीखना है. ओके, सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन विथ सेंस ऑर्गन्स. How many sense organs we have? We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, skin and tongue. आप सभी को human being के 5 sense organs के बारे में तो पता है, तो हमें total 5 sense organs होते हैं. वो होते हैं हमारे eyes, जिससे हम देख सकते हैं, हमारा nose जिससे हम स्मेल ले सकते हैं, हमारा ईयर जिससे हम सुन सकते हैं, टंग जिससे हमें कुछ भी खाने के बाद टेस्ट का पता चलता है, एंड देन हमारी स्किन जिससे हम लोगों को फील होता है, हमें टच फील होता है. ओके, सो द फंक्शंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स आर आईज टू सी, ईयर्स टू हियर, nose to smell, tongue to taste, and skin to feel. So children, tell me, how many ears do you have? हमें कितने ears होते हैं? Yes, we have 2 ears. हमें 2 ear होते हैं. What do you do with the ears? Just now I told you, we hear and listen with the ears. हम लोग वो ears से क्या करते हैं? तो वो ears से हम लोग सुनते हैं और yes, listen. यानि अगर आपके teacher आपको कुछ explain कर दिए है, आप उसको properly listen करते हो. Okay?
नाउ स्टूडेंट, हम लोग तो सुनते हैं अपने ईयर से, ओके? तो हमें जैसे ईयर है, वैसे क्या एनिमल्स को भी ईयर्स होते हैं? हाँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें ईयर्स होते हैं, तो सेम एनिमल्स को भी ईयर्स होते हैं जिससे वो सुनते हैं, ओके? सो हियर इज द पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स विद द ईयर्स. अब जिसमें मंकी है, जिराफ है, देन ज़ेब्रा है, एलिफेंट, लायन, एक बर्ड है, ठीक है? ये सबको ईयर होते हैं, तो हमें इन लोगों के ईयर्स दिखते हैं कि हाँ, इन्हें ईयर है. लेकिन जैसे यहाँ पे एक बर्ड दिखाया है, क्या उसको ईयर है? यस, उन्हें भी कान होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते. तो कुछ एनिमल्स के जो ईयर्स है वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो कुछ एनिमल्स या बर्ड्स है उनके ईयर्स हमको दिखाई देते नहीं है. ये सब चीज़ों के बारे में हमें ये लेसन में पढ़ना है. तो हमारे पार्ट वन में हम लोग ईयर के बारे में पता करेंगे, ठीक है? तो ईयर एक सेंस ऑर्गन है जिसकी पढ़ाई हमें हमारे चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 1 में करना है. सो स्टूडेंट्स, हियर इज अवर चैप्टर नंबर 2. यहाँ पे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक फिलहाल है नहीं, तो ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आपके चैप्टर नंबर 2 का है. तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट एंड एक्सप्लेन इट. चैप्टर नंबर 2, ईयर टू ईयर. हु हैज़ गॉट माय ईयर्स? अब यहाँ पे जो एनिमल्स है वो एनिमल्स बोल रहे हैं कि मेरे ईयर्स किसने लिए है. ओके, सो आर दिस एनिमल्स लुकिंग फनी? द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स. डिस्क्राइब वेयर द एनिमल्स करेक्ट ईयर्स आर लोकेटेड इन द स्पेस गिवन बिलो. अब स्टूडेंट्स, ये पिक्चर आप माइन्यूटली देखो. यहाँ पे सबको ईयर तो है, लेकिन वो प्रॉपर उसी का ईयर उसके हेड पे नहीं है. जैसे कि एलिफेंट के जो ईयर है वो एलिफेंट के हेड पे है, नहीं है. तो यहाँ पे सब एनिमल्स के जो ईयर है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो गया है. तो यहाँ पे ये बताया है कि आर्टिस्ट ने जो है वो ईयर प्रॉपर वही एनिमल को उसी के ईयर लगाए नहीं है, ड्रॉ किए नहीं है. तो ये एक्सचेंज हो गया है. सो ऑब्वियसली ये पिक्चर दिखने में तो फनी दिखेगा ना. एलिफेंट के ईयर जिराफ को दिए गए हैं, जिराफ के ईयर रैबिट को दिए गए हैं, रैबिट के ईयर जो है वो डॉग को दिए गए हैं. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपको ये पिक्चर को देख के आपको बराबर एनिमल्स के जो ईयर है वो आपको सर्च करना है, एंड यहाँ पे जो नीचे स्पेस दी है वहाँ पे प्रॉपर लिखना है. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स मैंने नहीं लिखवाया है, क्योंकि ये आपका असाइनमेंट होगा जो कि आपको आपके नोटबुक में करना होगा EVS के, ठीक है? तो आपको पिक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ये लिखना है एनिमल्स और ईयर्स के अकॉर्डिंग. अब यहाँ मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. नीचे देखिए, एनिमल एंड ईयर, ठीक है? एक साइड में एनिमल्स के नाम लिखे हैं, तो दूसरे साइड में ईयर लिखे गए हैं कि ये एनिमल के ईयर जो है वो कौन से एनिमल को लगाया गया है. जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट को जो ईयर है वो किसके है? ये माउस के है. तो एलिफेंट के ईयर कहाँ पे है?
तो एलिफेंट का ईयर जो है वो है जिराफ को लगाए हुए, है ना। तो सामने ईयर के सामने यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, जिराफ, यानी एलिफेंट के जिराफ, एलिफेंट के ईयर्स आपको दिखेंगे जिराफ के हेड पे। देन रैबिट के ईयर्स, रैबिट के ईयर्स कहाँ पे है सर्च करो, रैबिट के ईयर्स दिखेंगे आपको डॉग के हेड पे। देन माउस, माउस के जो ईयर है वो आपको दिखेंगे एलिफेंट के हेड पे। देन आफ्टर जिराफ, तो जिराफ के जो ईयर है वो है रैबिट के हेड पे। देन नेक्स्ट डॉग के जो ईयर है वो डॉग के ईयर है माउस के हेड पे। बफेलो के जो ईयर है वो बफेलो के ईयर है डियर के हेड पे। एंड डियर के जो ईयर है वो है बफेलो के हेड पे, ठीक है। तो आपको वो एनिमल्स के सामने प्रॉपर ईयर कौन से एनिमल के हेड पे है वो आपको लिखना है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पेज, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स, अमॉन्ग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन हैज ईयर्स दैट यू कैन सी, इन विच एनिमल्स यू कैन नॉट सी द ईयर्स, राइट इन द टेबल गिवन बिलो। सो बच्चों ये भी जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी तो जाके आप इसको नोटबुक में आपके एज अ होमवर्क करना होगा, ओके। अब यहाँ पे लिखा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल्स के, कुछ एनिमल्स के ईयर्स हमको दिखते हैं तो कुछ एनिमल्स के ईयर हमको नहीं दिखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये एनिमल को ईयर ही नहीं है, लेकिन नहीं, एनिमल को ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ब्लू कलर में कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि डियर, फ्रॉग, फिश, एंट, क्रो, पिक, जिराफ, कैट, टाइगर, स्पैरो, बफेलो, स्नेक, लिजार्ड, डक, एलिफेंट एंड मंकी। तो इन एनिमल्स के नाम में से आपको नीचे दो बॉक्सेस दिए हैं जिसमें लिखा है, एक बॉक्स में एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, यानी वो एनिमल्स जिसके हमको ईयर्स दिखते हैं, और दूसरे बॉक्स में लिखा है कि वो एनिमल्स जिसके हमें ईयर्स दिखते नहीं हैं। तो आपको जिसके ईयर्स आपको दिखते हैं वो आपको येलो कलर के बॉक्स में लिखना है, ऊपर एनिमल्स के नाम लिखे हैं आपको उसमें फिल करना है। जैसे कि जो एनिमल्स के ईयर्स हमको दिखते हैं तो वो किसके किसके दिखेंगे, डियर के दिखते हैं, राइट। अब साइड में लिखा है फ्रॉग, फ्रॉग के ईयर्स आपको कभी दिखते हैं नहीं, लेकिन उन्हें ईयर होते हैं, ठीक है, वो कभी होल के तौर पे होते हैं, राइट। तो फ्रॉग जो है वो आप लिखोगे कौन से बॉक्स में, वी कैन नॉट सी द ईयर्स, हमें उनके ईयर्स दिखते नहीं है। देन फिश, फिश के भी फिन्स होते हैं, ठीक है, तो फिश के आपको ईयर्स दिखते नहीं है तो वो किस में आएगा, ईयर्स वी कैन नॉट सी, है ना। देन एंट है, उसके भी ईयर्स हमको नहीं दिखते हैं, क्रो के ईयर्स भी नहीं दिखते हैं, पिक के ईयर्स दिखते हैं, यस पिक के ईयर्स दिखते हैं, तो आपको उसको लिखना है ईयर्स वी कैन सी। तो ऐसा ही आपको बाकी के एनिमल्स भी प्रॉपर वो बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। नाउ डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली दे डू नॉट हैव ईयर्स, लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स, नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, कैन यू सी देयर ईयर्स, दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि
कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं उन्हें सही में ईयर्स नहीं होते हैं, तो ये सही है कि गलत है? तो नहीं, ये गलत है। हमें जैसे ये बर्ड्स है, ये पिक्चर में जो नीचे बर्ड्स दिखाए दिए हैं, दैट इज हेन, देन स्पैरो, पैरोट, डक, क्रो एंड फ्रॉग, तो इन्हें ईयर जैसा शेप नहीं होता है, ठीक है? जो बाकी अदर्स लॉयन टाइगर को जो शेप होता है ईयर का, वैसे इनको ईयर नहीं दिखते, लेकिन उन्हें सुनाई तो देता है, तो उन्हें अगर सुनाई देता है तो उन्हें ईयर्स तो होंगे ही, लेकिन उनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देंगे। वो उनको एक होल जैसा होता है तो वो सुनते हैं, ऐसे टाइप के उनको ईयर्स होते हैं तो जिससे वो सुन सकते हैं, ठीक है? नाउ फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। अभी हम लोगों ने जो पहले एनिमल्स देखे हुए हैं, जैसे कि बर्ड्स है या फिर अदर एलिफेंट, टाइगर, वॉट एवर, वो जो ये है एनिमल्स है, तो किसी को ईयर्स है तो किसी को सुनाई तो देता है लेकिन ईयर्स नहीं है। तो वैसे ही कुछ और अदर एनिमल्स के नाम आपको ढूंढना है जिनको ईयर्स तो है लेकिन हमें दिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि स्वान, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, और बहुत सारे एनिमल्स जिनके ईयर्स तो होते हैं लेकिन हमें वो दिखते नहीं है। नाउ रीड एंड राइट। नंबर वन, एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन। कौन से एनिमल्स के ईयर्स जो है वो फैन जैसे है? यस, आप सभी को पता है, द आंसर इज एलिफेंट, ठीक है? एलिफेंट के जो ईयर होते हैं वो फैन जैसे होते हैं, बड़े बड़े। अब नंबर टू, एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स। किस एनिमल के ईयर लीव्स जैसे होते हैं, पत्तों जैसे होते हैं, नुकीले, लंबे, चौड़े, किसके होते हैं? तो रैबिट, है ना? रैबिट के जो लीव्स ईयर्स होते हैं वो लीव्स जैसे ऐसे कर्व होते हैं। ओके, नाउ नंबर थ्री, एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। कौन से एनिमल्स के ईयर्स बिल्कुल उसके सर के ऊपर होते हैं, टॉप पे होते हैं, बिल्कुल ऐसे खड़े ऐसे हो जाते हैं? तो वो भी एनिमल है रैबिट। ओके, नाउ नंबर फोर, एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। कौन से एनिमल के ईयर दोनों साइड में बिल्कुल हेड के ऊपर होते हैं? तो द आंसर इज डॉग। ओके, नाउ सी द पिक्चर हियर। यहाँ पे कुछ एक बर्ड है, देन लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, आपको सुनना है। You know very well that ears help us to hear. In some animals, you can see the ears. In some, you cannot. We cannot see a bird's ears. Birds have tiny holes on both sides of their head. Generally, the holes are covered with feathers. They help the bird to hear. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ईयर्स हमें क्या हेल्प करते हैं, तो ईयर्स से हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है? बहुत क्लियरली हम लोग सुन सकते हैं किसी का भी आवाज़, या किसी ने आपको आवाज़ भी दिया तो आप कान से सुनते हो ना, तो ईयर से आपको प्रॉपर सुनाई देता है। वैसे सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स भी ईयर से ही क्लियरली सुनते हैं, लेकिन लेकिन कुछ एनिमल्स के ईयर्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं,
लेकिन कुछ एनिमल्स के जो ईयर्स है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि बर्ड्स है, बर्ड को ईयर वैसे एनिमल्स जैसा शेप ईयर्स का नहीं होता है, लेकिन उन्हें उनके हेड पे दोनों साइड में एक टाइनी होल्स होते हैं, यानी दो छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो प्रॉपर सुन सकते हैं। और वो जो होल है वो आपको दिखाई भी नहीं देगा, वो इसलिए नहीं दिखाई देंगे क्योंकि उनके होल जो है वो फीडर से ढके हुए रहते हैं, लेकिन उन्हीं होल के हेल्प से वो अच्छे से सुन सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड, दीज आर इट्स ईयर्स। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम इजीली। अब जैसे कि लिजार्ड को तो आपने सभी ने देखा है, छिपकली को, है ना? तो छिपकली को अगर वो एक जगह पे स्टेबल है तो आप उसको माइन्यूटली देखो तो आपको उसके हेड के ऊपर दो छोटे छोटे छेद दिखेंगे, तो वो उनके होते हैं ईयर्स। एंड सेम क्रोकोडाइल को भी दो छोटे होल होते हैं जिससे वो सुन सकते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल के तो वो जो टाइनी होल्स है हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनका जो शेल्फ वाला स्किन जो होता है तो वो उसे ढका जाता है, या फिर सेम वैसे ही कलर के या फिर वैसे ही शेप के उसके होल होते हैं तो हमें दिखते नहीं है, और क्रोकोडाइल के पास जाएगा भी कौन देखने के लिए, है ना? तो हमें उनके जो ईयर्स है वो नहीं देख पाते हम, राइट? सो हियर इज अवर चैप्टर नंबर 2, ईयर टू ईयर, पार्ट 1 इज कम्प्लीटेड। आपको सभी को समझ में आया होगा, ये एक सिर्फ ईयर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के ईयर्स हो या फिर एनिमल्स के ईयर्स हो, सभी के सेम यूज होते हैं जिससे हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, फाइन। नाउ द असाइनमेंट 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया था वही एक स्टार्टिंग का पिक्चर मैंने यहाँ दिया है, दैट हु हैज गॉट माई ईयर्स। तो जैसे कि मैंने पहले ही समझाया है आपको, यहाँ पे एक पिक्चर है जिसका ईयर्स जो है वो प्रॉपर वही एनिमल का ईयर वही एनिमल को नहीं है, तो वो एक्सचेंज हो गया है दूसरे एनिमल्स में। तो आपको क्या करना है, आपको ये ईवीएस के नोटबुक में जो नीचे दो लाइंस दी गई है उसमें है, डिस्क्राइब वेयर द एनिमल्स करेक्ट ईयर्स आर लोकेटेड इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको सिर्फ यही नीचे की लाइन लिखना है। पहले तो आप लेसन नंबर लिखोगे, ठीक है, डेट साइड में लिखोगे, वहाँ पे होमवर्क लिखोगे, देन चैप्टर नंबर लिखोगे, चैप्टर का नाम लिखोगे, देन असाइनमेंट 1 ऐसे हेडिंग डाल के आपको ये जो पिक्चर के नीचे दो लाइन है उसमें से लास्ट वाली जो लाइन है डिस्क्राइब वेयर द एनिमल्स वाला, वो लाइन आपको सिर्फ लिखनी है, और उसके नीचे सेम एनिमल्स एंड ईयर और दूसरे साइड में भी है एनिमल एंड ईयर, वैसे प्रॉपरली लिख के आपको आंसर्स लिखने हैं जो कि मैंने पहले ही आपको समझा दिए हैं, ओके? नाउ हियर असाइनमेंट 1, क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स, अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन हैज ईयर्स दैट यू कैन सी, इन विच एनिमल्स यू कैन नॉट सी द ईयर्स, राइट इन द टेबल गिवन बिलो। ये भी असाइनमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही लेसन में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ ब्लू फॉन्ट में, ब्लू कलर्ड में यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिखे हैं, जिसमें से आपको नीचे के दो कॉलम्स हैं उसमें उसको डिवाइड करना है,
कि कौन से एनिमल्स के ईयर्स हमको दिखते हैं, और पिंक वाले कॉलम में बॉक्स में लिखना है कि कौन से एनिमल्स के ईयर्स हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो ऊपर एनिमल्स के नाम तो आपको दिए हुए हैं, बस उसी में से आपको जो एनिमल्स के ईयर्स दिखते हैं वो येलो वाले बॉक्स में लिखना है, और जिनके ईयर्स हम लोग नहीं देख पाते, नहीं दिखते हैं हमें, वो पिंक वाले बॉक्स में आपको लिखने हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको प्रॉपरली आपके ईवीएस के नोटबुक में कॉपी करना है एंड सेम आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। सो दिस असाइनमेंट वन इज योर होमवर्क, फाइन। सो हियर अवर पार्ट वन एंड चैप्टर टू पार्ट वन एंड असाइनमेंट वन इज कंप्लीटेड, फाइन। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।